मेरे बिल्कुल भी पढ़ने में बिल्कुल भी रुचि नहीं थी, तो फर्स्ट क्लास में आई, सेकंड में आई, मैं बहुत रोती थी स्कूल जाते हुए। तो मम्मी ने कहा एक दो बार इसको अखाड़े में छोड़े आओ, जब प्रैक्टिस करेगी ना तो खुद इसका मन करेगा कि स्कूल में जाए। पर लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि मुझे पढ़ाई से ज़्यादा कुश्ती में इंटरेस्ट है मेरा। फिर धीरे धीरे मैंने दंगल लड़ने शुरू किए, तो जब लड़कियों के साथ दंगल लड़ती थी तो पब्लिक को इतना इंटरेस्ट नहीं आता था और ना ही पैसे मिलते थे, 200-300 रुपये इतने मिलते थे। पर लेकिन जब मैंने लड़के के साथ कुश्ती लड़नी स्टार्ट करी दंगल में, पब्लिक को बहुत इंटरेस्ट आने लग गया कि एक लड़की लड़के के साथ कुश्ती लड़ रही है। और रामपुर दंगल में मैं जब 8 साल की थी तो मैंने एक लड़के को बाइफॉल चीट किया। लाइफ में पहली बार 3,000 रुपये देखे थे। एक स्थिति ऐसी आई कि हमारे घर में दूध के पैसे भी नहीं होते थे, घी तो बहुत दूर की बात थी उस टाइम पे। जो पहलवान पहनते हैं जांग लंगोटी, तो मेरी मम्मी वो बनाती थी। और जब हम कहीं दंगल में जाते थे और फिर मेरे पापा के थोड़े लंगोट जांगे बिक जाते थे, जिससे हमारा थोड़ा बहुत खर्चा चल जाता था। मेरे पापा के अंदर इतना जज्बा है, मुझे अपनी लड़की को पहलवानी करानी है। तो एक टाइम ऐसा आया, भाई भी खड़ा उस स्टेज पे और मैं भी, तो पापा ने कहा कि इन दोनों में से मैं एक को पहलवानी करा सकता हूँ। मम्मी बोलने लगी सिर्फ देव करेगा, मतलब मेरा बड़ा भाई। पर मेरे पापा ने कहा नहीं, दिव्या पहलवानी करेगी, क्योंकि दिव्या में वो जज्बा है और मुझे दिखता है इसके अंदर। तो पर लेकिन मेरे बड़े भाई ने उस टाइम पे इतना त्याग किया मेरे लिए, भाई ने कहा कि हाँ मैं दिव्या को कराऊंगा और मैं भी इसके साथ लूंगा, दिव्या को कराएंगे हम पहलवानी। शर्म नहीं आती लड़की से शॉर्ट्स पहन के ये प्रैक्टिस कर रही है और ये सिर्फ टी शर्ट पर रहते, क्योंकि गांव में आज भी लड़कियां पल्ला करके चलती है। और मैं सिर्फ ऐसी कुश्ती लड़ती थी, तो उनके लिए तो बहुत ऐसा था कि भाई पापा को कुछ से कुछ बोलते थे, और कितने नहीं तो पापा को इतना मतलब जलील करने की कोशिश की। पापा को बोलते थे भाई अगर तुझे पैसे चाहिए तो हमसे ले, लड़कियों क्यों लड़वा रहा है। पर पापा ने कुछ जवाब नहीं दिया, जवाब उनको आज खुद मिल गया कि आज मैं कहाँ पे, वो खुद फ़ोन करते हैं, अब सब बोलते हैं हमारी पोती है, हमारी बेटी है, हमने खिलाया इसको, ये इतनी सी थी जब हमारे घर आती थी। दिव्या काकरान की मैं खुद ही फैन हूँ और मैं अपनी पहचान एक अलग बनाना चाहती हूँ ओलंपिक में, 2 मेडल 3 मेडल, तो मेरा पूरा टारगेट है कि मैं एक इतिहास बनाऊँ।